जा रही हूँ, इससे पहले आपसे पराठा मैं वापस छीन लूँ। क्रश्ड रेड चिली मेरे पास थोड़ी खत्म हुई हुई है, तो इस वजह से मैंने ये वाला। देसी घी का पराठा आपको पता है बहुत क्रंची बनता है, मजे का बनता है और जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें ज्यादा। सो जी यहाँ पे अपनी ये चाय है और पराठा। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से हैं और मजे में हैं। तो जी टाइम हो रहा है इस बड़े 7 और 8 हो रहे, तो अभी मुझे लग रही थी भूख और मेथी के पराठे बनाने लगी हूँ और साथ बनाने लगी हूँ स्ट्रॉन्ग चाय। तो अभी मैं जल्दी जल्दी अपने पराठे स्टार्ट करती हूँ और जी रहे आप मेरे साथ साथ। तो ये पराठा है, सबसे पहले इसके ऊपर मैं लगाऊंगी देसी घी, खुश्क आटा और ये फिर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली डालेंगे। क्रश्ड रेड चिली मेरे पास थोड़ी खत्म हुई हुई है, तो इस वजह से मैंने ये वाली डाल ली है, रेड चिली पाउडर। बस के कुछ ऐसा खाया जाए कि पेट भी भर जाए और सेहत भी खराब नहीं हो, तो ये मैंने इस तरह बना लिया है। और अब जी ये स्पाइसी सा पराठा बनेगा और में से जो लोग भी पराठे के शौकीन है ना, वो एकदम ये मेथी का पराठा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसमें कलौंजी वगैरह भी ऐड। तो देसी घी का पराठा आपको पता है बहुत क्रंची बनता है, मजे का बनता है और खास तौर पे जब कलौंजी का पराठा मेथी का पराठा जो है वो बहुत मजे का लगता है। और साथ आपने रेड चिली, अगर रेड चिली क्रश्ड वाली है वो थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे या पाउडर डालें, सॉल्ट भी डालें, तो उससे पराठा क्रंची होने के साथ साथ स्पाइसी भी बनेगा। दूध ले लो क्योंकि चाय में दूध डालना है, स्पाइसी भी बनेगा और जब पराठा स्पाइसी होगा तो उसको आप चाय के साथ खाएंगे तो बहुत मजे का लगेगा। अभी साथ साथ ही चाय बन रही है इधर मेरी, ये चाय में दूध डाल दिया है। तो ये मैंने पराठा डाल दिया हुआ है पैन में और इसको अभी ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाऊंगी। और जी जितने भी लोग पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड पे नए हैं उन सबका वेलकम। मेरी बहुत सारी बहनें मुझे बहुत अच्छे मोटिवेशनल कमेंट्स करती हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। दो पराठे बनाऊंगी, एक आमिर के लिए बनाऊंगी, एक अपने लिए बनाऊंगी और साथ आप चाहें ना अगर आप चटनी भी बना सकते हैं, मतलब दही की चटनी बना लें या वैसे ही जैसे प्याज टमाटर और हरा धनिया हरी मिर्च उसको आप चॉप करके वो भी इसके साथ बहुत मजे की, लेकिन ये ऑलरेडी स्पाइसी पराठा है। अच्छा कुछ लड़कियां हैं जो बेलन के बगैर पराठा बना लेती हैं, लेकिन मेरे से अभी तक बेलन के बगैर रोटी पराठा नहीं बनता है। मैंने देखा है कुछ अपनी सिस्टर्स को जो ब्लॉग वगैरह में देखती हूँ उसमें वो बना लेती हैं, लेकिन मेरे से अभी तक नहीं होता है। जब तक बेलन ना हो मैं रोटी नहीं बना पाती ना मैं पराठा बना पाती हूँ। चले ईशा की अजान भी हो गई है। दूसरा पराठा भी रेडी हो गया है, जो पहले वाला पराठा है वो कोई इतना बड़ा पराठा नहीं है, वो थोड़ा सा हल्का सा छोटा मोटा पराठा है वो मेरा है। और दूसरा पराठा बनाया है आमिर के लिए। रेडी है, ये देखें बिल्कुल आ रही है, ये देखें ज्यादा नीचे करूंगी तो गिर जाएगा, अपना ही नुकसान हो जाएगा। चलेगी
और आपको पता है पठानों की तरह चाय ऊंची करके डालने का भी अपना ही मजा है। उसे चाय ना थोड़ी वो बन जाती है, चाय के ऊपर झाग आ जाती है और उससे टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो जी यहाँ पे हमारे पराठे भी ऑलमोस्ट रेडी है और किसी को अगर पराठे खाने हैं मेथी के आलू के तो आप लोगों को दावत है मेरे घर, आप आ सकते हैं पराठा खाने के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जोर से दबाना होगा। आप लोगों के सामने एक बाइट ले लूं इसका। यहाँ पे अपनी ये चाय है और पराठा है और अब लेती हूँ मैं ब्रेक और चलती हूँ रूम में। हेडबैंड बेचारा यहाँ तक पहुंच गया था और मैं उसे हाथ नहीं लगा पा रही थी। चलती हूँ मैं रूम में और मैं जाके पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। आप पराठा टेस्ट करें और मुझे बताएं कैसा है। ये पराठे तो आपकी खासियत है ना, दिस इज योर ट्रेडिशन। पराठे का बताएं पराठा कैसा है। उम्र बढ़ेगी ना तेरी, क्योंकि इसका नुकसान पता लगेगा। मैं पराठे का पूछे जा रही हूँ इससे पहले आपसे पराठा मैं वापस छीन लूं। मैंने पहले ही लवाना लेती कह लिया कि आपकी खुशियत है इसमें। इस बात पे जी अब ब्रेक है और मैं अभी जल्दी जल्दी अपना खाना खा लूं। यहाँ पे मैं किचन एप्रन पहन के बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं जब भी किचन में जाती हूँ काम शाम करती हूँ उसके बाद मैं इसको उतारना भूल जाती हूँ और फिर अभी आके लाउंज में बैठी हुई हूँ बातें कर रहे हैं। तो जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।